नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज, आप देख रहे हैं जीएन भारत और अभी मैं मौजूद हूँ केंद्रीय सरना स्थल सरमटोली में, जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सरना स्थल का शिलान्यास किया गया था, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा विरोध कर रहे हैं और इसी विषय पर आज एक प्रेस वार्ता रखा गया था इस सरना स्थल पर। आइए आपको सुनाते हैं। क्यों इसके सुंदरीकरण पर रोक लगाया जा रहा है? देखिए, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद हमारे माननीय अर्जुन मुंडा की ओर से या मैंने उसको दिग्भ्रमित किया गया है, उनके पास इस तरह का बात रखा गया है कि भाई ये चीज़ नहीं बनना चाहिए, कोई गलत दस्तावेज रख करके। और अगर वो कह रहे हैं कि आदिवासी जंगल झाड़ में रहते हैं, तो क्या वो जंगल झाड़ के पहले आदिवासी कारिया पहनते थे? उसको कारिया बोलते हैं, एक पट्टा का होता है। तो क्या मैंने अर्जुन मुंडा कार्या पहन कर रह रहे? वो अभी राजनीतिक में आ करके पढ़े लिखे या लोगों के साथ घूमे फिरे और आज सांसद पहुँचे हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे आदिवासियों का विकास होगा, ये बनेगा, ये यहाँ पर भवन बनेगा और भवन बनेगा तो वहाँ का जो आदिवासियों का जो पौराणिक है, जो परंपरा से रूढ़िवादी जो कला संस्कृति का संरक्षण होगा और उसको लोग देख करके जानेगा कि भाई ये हमारे पूर्वज ऐसे करते थे, उनको ये दिशा दिखाने का काम करेगा। तो अर्जुन मुंडा को इतिहास कहाँ से मालूम होगा? आज जरूर अर्जुन सिंह मुंडा पात्र लिखते हैं, लेकिन वो सही में अगर आदिवासी है तो इनका विरोध नहीं करेंगे और नहीं तो हम लोग महान इसका उसके विरोध में और मैंने आंदोलन करेंगे। हाँ, यह हम लोग का सरना नहीं, हम कहना चाहते हैं बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग का सरना भवन में है, हम लोग का धूमकुड़िया के रूप से बनना चाहिए और हम लोग के यहाँ तो कुछ है नहीं, देख रहे हैं लोग पूजा पाठ करते हैं तो यहाँ तो सब जगह बनता है तो बनना ही चाहिए। हम लोग को तो नहीं हुआ पता, जता रहे हैं, लेकिन हम लोग का कहना है कि हम लोग बनना चाहिए। नहीं, उनको तो नहीं कहना चाहते, वैसे हो के आदिवासी तो हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग का जाति बाकी है, लोग को तो बनना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को जोहार, और जैसे कि हम आप लोग जान रहे हैं कि 7 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस केंद्रीय सरना स्थल का सुंदरीकरण का शिलान्यास किया गया, उसको मैं केंद्रीय सरना समिति, युवा सरना समिति और तमाम सरना समाज की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस जगह को लेकर कुछ विवरण मैं देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी सिरमौजा के पहन परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से माननीय अर्जुन मुंडा द्वारा जो ये 5 मंजिला भवन का जो विरोध किया जा रहा है, ये बिल्कुल एक तरह से क्या बोलिएगा, एकदम नाजायज है। 3 बार मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यहाँ रहे हैं झारखंड में, और मेरे जानकारी में 2 बार सरूल शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पे भी यहाँ पर वो आ चुके हैं, है ना। और यहाँ से यहाँ पर आके माँ सरना का आशीर्वाद भी उनको मिला, लेकिन जो पुत्र का जो कर्तव्य होता है वो शायद वो नहीं निभा पाए। वो मुख्यमंत्री थे, अगर वो चाहते तो अपने कार्यकाल में इस जगह का सुंदरीकरण वो करा सकते थे, लेकिन वो नहीं करा पाए, क्योंकि हमको लगता है कि सरना स्थल से ज़्यादा चिंता उनको वनवासी केंद्र बनाना हो या मंदिर बनाने पर उन लोग को ज़्यादा ध्यान है उनका। उसके साथ साथ कहा है कि हम लोग का अभी देखिएगा कि हम लोग का बच्चा लोग भजन होता है, हम लोग का भजन होता है या गीत गोविंद होता है, सो हम लोग का बच्चा लोग जानता नहीं है, तो उन लोग का जगह है ये नहीं हम लोग का कार्यशाला के रूप में जहाँ पर वो लोग सीखे, तो बिल्डिंग का हम लोग का इस्तेमाल उस रूप में भी हम लोग करेंगे। साथ ही साथ आज देखिएगा आदिवासी समाज में तो कहीं ना कहीं लोग सही ढंग से वे अपना भाषा संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो हम लोग एक समिति का पहल रहेगा इस जगह के लेके कि यहाँ हम लोग उराव मुंडा या और भी अन्य भाषा का हम लोग यहाँ पर पढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। हाल के दिनों में अर्जुन मुंडा जी के द्वारा जो एक बयान आया है कि यहाँ पर इमारत नहीं बनना चाहिए, मैं ही कहना चाहूँगा कि इमारत क्यों नहीं बनना चाहिए? जिस इमारत से आदिवासी समाज का भला हो, पूरे आदिवासी समाज जो भी उराव मुंडा खड़िया हो संथाली जितने भी 3200 जनजाति है, सारी जनजाति का इस भवन से इस सरना स्थल से जिसका विकास होगा, विनाश कहीं नहीं है, विकास होगा। साथ में साथ जिसके यहाँ पर जो भी बिल्डिंग बनेगा उसमें आदिवासी का कल्चर से रिलेटेड आपका पढ़ाई होगा, आपका जैसे हम लोग मान के चले बहुत सारे लोग आदिवासी तो हैं लेकिन अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज, अपनी भाषा, अपनी कल्चर को नहीं समझते, वो सारा चीज़ का यहाँ टीचिंग होगा, क्लास होगा, जो कि सभी को जानने और समझने, अपनी भाषा को सबका अधिकार है। आज हम 32 खतियान की मांग करते हैं,
लेकिन हम अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज, अपनी भाषा, अपना कल्चर को नहीं जान पाते हैं और हम 32 की खतियान को मांगते हैं। तो सब अब जब अपने आप को पहचानिएगा, अपनी भाषा को जानिएगा, अपनी संस्कृति को जानिएगा, तब तो हम किसी का मांग करने से अच्छा रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि इन लोगों का क्या कहना है कि जो सरना भवन बनने वाला है तो उसके लिए ज़्यादा जगह का घेराव नहीं किया जाएगा और जो स्टेज बनता था हमेशा सरहुल के लिए वो स्टेज उतने ही जगह में बनेगा जैसे पहले बनता था। और ये जो आप मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं प्राकृतिक पेड़, ये भी यहीं रहेगा, यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। लेकिन भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं, ये तो जानने वाली बात है कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।